बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? और ये जो कंक्रीट हो रहा है, ये सेफ्टी टैंक का, पीसीसी का कंक्रीट कंक्रीट करके मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक डलवा दिया है ताकि ये करेक्ट ना हो। शाम के टाइम कंक्रीट किया था, हम लोग पानी नहीं मार सकते ना, हम लोग चले जा रहे थे, इसलिए इसमें पूरा प्लास्टिक डाल दिया था, ये करेक्ट नहीं होएगा। अब दूसरे दिन इस पर ताबुक लगाएंगे। अभी देखो ताबुक लग रहा है, और इसका ताबुक जो है वो थोड़ा अच्छा सा मजबूत लगाना चाहिए, अच्छा तेज सीमेंट डाल के, ताकि ये करेक्ट ना हो। और मेरे ख्याल में ये ताबुक का काम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, मेरे ख्याल में, क्योंकि ताबुक जो है थोड़ा अच्छे से मुझे पसंद है। ये ताबुक का जो काम है, जितना साफ़ सुथरा सफाई से काम हो रहा है, और इसमें जॉइंट बराबर दबाना चाहिए सेफ्टी टैंक में, ताकि ये जब पानी का लोड आए तो खुले नहीं। और ताबुक लग गया है, और अब इस पर रस मार देते हैं, क्योंकि कल प्लास्टर करेंगे ना। आज इस पर ताबुक लगाया और रस मार देते हैं, अंदर जो कचरा है वो सफाई हो रहा है, अभी देख रहे हैं रस लग रहा है, कल प्लास्टर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अपना दूसरा काम भी चल रहा है, और अभी इसमें कल प्लास्टर कर देंगे, परसों इसमें पानी डाल देंगे, और ये भी आज प्लास्टर का काम स्टार्ट हो गया। और इसका प्लास्टर का थिकनेस थोड़ा मोटा रहना चाहिए, और सीमेंट भी थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, और इसके नीचे का फ्लोर का और प्लास्टर दीवार का एक साथ में होना चाहिए। अभी देखो प्लास्टर कल हो गया था, और कल नहीं सॉरी, प्लास्टर तो पहले हो गया था, अभी काफ़ी दिन से हम लोग इसमें पानी डाल के रखे थे, आज थोड़ा टाइम था इसलिए हम लोग सोचा इसका सेटरिंग कर देते हैं। अंदर तो पानी है, काम में ले रहे हैं पानी, और अभी देखो सेटरिंग काम चालू हो गया। और इसका जो बीम है 40 सेंटी का हमने बीम दिया है साइड में, और स्लेब का थिकनेस जो है वो 20 सेंटी है, और इसमें 16 मिली का डबल जाल आएगा स्टील का। अभी देखिए नीचे अंदर पानी है, पानी में लोग जेक लगाएंगे। और सेटरिंग जैसे आपको मालूम है, पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें सेटरिंग किस हिसाब से होता है पूरा पता ही है। और ये इसका जो हम लोग ये सेफ्टी टैंक जो है ना, हम पहले बना लेते हैं इसमें, ताकि पानी डालने के लिए जिधर पानी का लाइन नहीं होता है ना गवर्नमेंट का, उधर पानी हमको टंकी बनाना पड़ता है। जब टंकी से बेहतर है सेफ्टी टैंक एक साथ में बन जाए तो उसमें पानी डल जाए। अभी सेटरिंग का आधा काम खलास हो गया है, अभी इस पर प्लाई डाल के स्टील का काम चालू हो जाएगा। आज आदमी दूसरा काम किया इधर साइड में, आप देखेंगे तो आपको शायद उसका वीडियो नहीं है, उसका वीडियो डाला नहीं मैं, वो पूरा काम का अभी तक वीडियो डाला नहीं है। अभी देखो इसका बीम तैयार हो गया स्टील का, और इस काम का वीडियो जब भी आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आएगा। शुरू से इस ये काम का जो ये विल्ले का जो वीडियो जब भी आएगा, वो पूरा प्रोसेस शुरू से चालू होएगा, जब से जो ये लोग मार्किंग करते हैं ना जगह का, एक मार्किंग कंपनी दूसरा है, वो लोग मार्किंग करते हैं मैप से, उस टाइम से उसका कैसे मार्किंग करते हैं, कौन करता है, कितना टाइम लगता है, कौन सी मशीन से होता है, पूरा इसका वीडियो पूरा डिटेल्स आएगा ये काम का। लेकिन कब आएगा इसका मालूम नहीं, वीडियो पूरा बन रहा है इंशाल्लाह। और ये स्टील का काम चालू हुआ, 16 मिली का स्टील है, हम जब भी सेफ्टी टैंक में डालते हैं 16 मिली का स्टील डालते हैं, और डबल डालते हैं क्योंकि इसके ऊपर गाड़ी आएगा, जब ये घर का पार्किंग के अंदर रहेगा इसके ऊपर गाड़ी रहेगा, गाड़ी खड़ा होएगा, इसलिए इसको डबल डालते हैं हमेशा, डबल जार 16 मिली का। चलो स्टील का काम हो गया, अभी कंक्रीट स्टार्ट कर देते हैं। कंक्रीट इसमें पंप का ज़रूरत नहीं है, इसमें पंप का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कंक्रीट लगता है इसलिए हम कभी भी मंगा लेते हैं, मिक्सचर आ जाता है तो डाल देते हैं। और आपका अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सारा वीडियो चेक कर लीजिए आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दे देना, हो सकता है तो शेयर भी कर देना, क्योंकि अपना ये वीडियो में कोई ऐसा उल्टा पुल्टा वीडियो नहीं आता है, जो रियल काम होता है वही आता है, और कोई मेरे ख्याल में कुछ गलत वीडियो नहीं होता है, कोई गलत देखने को नहीं मिलता है। आप किसी के साथ में बैठ के भी देखेंगे तो मुश्किल नहीं है, अपने घर में दिखाएँगे, बीवी बच्चों को दिखाएँ, किसी को दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तो आम आदमी के लिए नहीं है वीडियो, जो मतलब जो इस लाइन में बिल्डिंग लाइन में काम करता है उसके लिए फ़ायदेमंद है। समझो किसी का काम है बेचारे का सब्ज़ी बेचने का, वो इसको देखेगा तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ अगर वो घर का काम करवा रहा है तो उसको फ़ायदा है, किस तरीके से घर का काम होगा आगे चल के, ठेकेदार उसको किस तरीके से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर काम करने में और अपना पूरे इंडिया में काम करने में बहुत फ़र्क है, रात दिन का, इधर के सेम सेम उधर काम करेंगे तो हो सकता है नहीं होएगा, होता तो है लेकिन उसके लिए पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, ठेकेदार ऐसा काम शायद नहीं करेगा, करेगा तो उसका रेट अलग है, थोड़ा ज़्यादा है। चलो वो बात अलग है, कहाँ फंस गया मैं। और अपना इंशाल्लाह देखिए, अब साइड में जो आपने देखा ना फुटिंग,
इसका हमने बराबर जो कंपनी में काम था उसके हिसाब से इसका काम होएगा पूरा। और बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला वीडियो पूरी ख़त्म हो गई। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वन अपना चैनल का नाम है बी न्यूज़ ऑफ सलाला सैयद। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।